प्रैक्टिसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट लाई थी, और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का सेक्शन 4 ये सबसे बड़ा अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, हिंदू विरोधी प्रोविजन है, और इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि ये लोगों की आवाज़ दबाने वाला प्रोविजन है। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, इसका कारण ये है, सेक्शन 4 सब क्लॉज 1 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का ये प्रावधान रखता है, ये प्रोवाइड करता है कि अगर कोई इतिहास में धर्म स्थल 15 अगस्त 1947 को जो जिस धार्मिक स्थल का जो धार्मिक स्वरूप था वो वैसे ही रहेगा, और उसको कन्वर्ट करने के लिए, उसको वापस लाने के लिए आप न्यायालय में अभियोग प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो नरसिम्हा राव सरकार लाई 1991 में, उसने इस देश के समाज के लोगों का कोर्ट जाने का अधिकार छीन लिया इस परिपेक्ष में, इस इंटरप्रिटेशन के हिसाब से हमने इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 ये काला कानून जो है इसको केंद्र सरकार तत्काल प्रभाव से निरस्त करे। इसके लिए इस अधिवेशन का, इस मंच का बहुत बड़ा योगदान है। इसके लिए हमें आपको मिल बैठ के बिल्कुल केंद्र सरकार को अप्रोच करना पड़ेगा और इस काले कानून को खत्म कराना पड़ेगा। दबाना मत।